तो इस पर मेरी बात हो चुकी है, कितने घंटे पढ़े। मान लो तुम्हारे पास, मैंने अभी बताया कि तुम्हें कब एग्जाम देना है, तुम्हारा स्तर अभी क्या है, तुम बिल्कुल जीरो हो, तुमने अभी शुरुआत की हुई है, तुम किस रूप में काम कर रहे हो? राइट right? शाबाश। तो अब है कितने घंटे पढ़े। मान लो तुम्हें 2022 में एग्जाम देना है, तो तुम्हारे पास न्यूनतम 8 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए सिलेबस को पूरा करने के लिए। मुझे इसमें भी, मेरे पास प्रायोरिटी टास्क और नॉन प्रायोरिटी टास्क में है, जो है वो चीजों को लेकर चलना है। अगर मान लो 2023 मेरे पास 2 साल का वक्त है, तो मेरे पास लगभग 5 to 6 आवर डेली स्टडी, यानी कि एक दिन की और भूल गए, ठीक है, into 6 डेज इन अ वीक आपको यह पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप 2024 में जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 2024 में अगर आप जा रहे हैं, तो 2024 में आप 4 आवर्स कम से कम डेली आप निकालिए, into 6 डेज इन अ वीक। इस हिसाब से आपको एटलीस्ट पढ़ाई करना चाहिए। अब सवाल है कि एक बहुत बड़ा मिस्टेक बच्चों से होता है, वो भी बता देता हूं, और वो मिस्टेक ये होता है कि एनसीईआरटी को अकेले कितना टाइम दें। मुझसे कई स्टूडेंट मिले जैसे ट्रॉल्स होते हैं, हालांकि इनका सिलेक्शन वलेक्शन कभी नहीं होता है, लेकिन इनकी ट्रॉलिंग करना इनकी आदत होती है, तो ये दूसरों की आलोचना में ही अपना सारा बेहतरीन समय निकाल देते हैं और मामला उनका साफ हो जाता है। अब जैसे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी हो गया, तो एनसीईआरटी में सबसे बड़ी लड़ाई तो बच्चों की होती है कि न्यू पढ़े या ओल्ड पढ़े। इसमें वो दोनों खरीद लाते हैं, ओल्ड वाले की फोटोकॉपी और नई वाले की बुक खरीद लाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि वो, इनको ये नहीं पता कि एनसीईआरटी की बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी बीटीएल है। एनसीईआरटी मेरी जानने की किताब है, फैक्ट को रटने की किताब नहीं है। वो लाइन बाय लाइन उठा के ऐसे सीधे नहीं क्वेश्चन करेगा, वो बेसिकली कैसी किताब है, और वो किताब है आपकी बीटीएल टाइप की बुक है। तो बीटीएल टाइप की जो बुक है, यानी कि आपको बीटीएल निकालना है, ये आपकी क्या करेगी, ये आपको जानने और समझने योग्य बनाती है। टू नो टू अंडरस्टैंड। अब सवाल यह है कि इसके लिए मैं कितना समय दूं। अब क्या होता है, कई बार मेरे से बच्चे मिले, कुछ बार क्या होता है कि एक तो मिसगाइडेड होते हैं, दूसरा अहंकार से भी भरे होते हैं, बोले अरे सर हम खुद से पढ़ लेंगे। अब क्या हुआ, गड्डी भर लगभग 52 के आसपास बुक्स आती हैं, ये आप खरीद लाते हो लगभग, जिसकी कीमत नियरली अबाउट 2800 के आसपास होती, फिर पेन पेपर भी खरीद के लाते हो, सब कुछ है। इसके बाद क्या होता है, ये क्या काम करते हैं, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ने के चक्कर में ये कम से कम 6 to 8 months मिनिमम ये सिर्फ पहली रीडिंग में निकाल देते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप आगे बढ़ते हो, आपको बोरियत महसूस होने लगती है, आपको समझ में नहीं आता इसमें क्या करें, फैक्ट पढ़े। अब मान लो यही किताब है तुम्हारे सामने, एनसीईआरटी की बुक है, मान लो अब तुम्हें लगा, तुम्हें कोई बताने वाला नहीं कि इसमें, बोले अरे ये तो बड़ा अच्छा चार्ट में सजा के दिया, सब याद कर डालो। अब इतने फैक्ट्स तुम याद करना शुरू करोगे, तुम्हारी हफ्ता भर तो इसी में, इसी एक पेज में निकल जाएगा, और ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। सब कुछ पढ़ा तुम्हें, पता है खुदाई उदाई तुमने सब याद कर डाला, और तुम्हारे बेसिक काम का है कि हमारे पास कौन कौन सी स्पेसीज कहां कहां पाई गई, जो कि आपके 2 या 3 लाइन में यह खत्म हो जाएगा। तब इस कंडीशन में क्या होगा कि 6 से 8 महीना आप मेहनत करने के बाद, आप अपना समय लगाने के बाद, आपको लगता है यार आउटपुट तो कुछ आ ही नहीं रहा है, फिर उसको करेक्शन करने में आप नियरली 1 ईयर टाइम दे देते हो। 1 ईयर टाइम केवल आप एनसीईआरटी में दे रहे हो, तो अगले स्टेज में जाने के लिए आप क्या करोगे, राइट? तो यहां पर जो है वो बहुत बड़ी दिक्कत शुरू हो जाती है, और आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ हो, यहां पर ऐसा हुआ रहा हो, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमें, जैसे एनसीईआरटी आंदोलन जब मैंने शुरू किया, या एनसीईआरटी आंदोलन का नया बैच जो मैं शुरू कर रहा हूं, उसके पीछे मेरा फंडामेंटल यही था। उसमें कई चीजों को मैंने मिलाया। पहली बात, आपका समय बचना चाहिए। सिर्फ एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन के लिए तुम एक साल जैसा समय, एक साल की कीमत क्या हो सकती है, एक साल की कीमत यह हो सकती है तुम्हारा जो कलीग है, जो तुम्हारे रूम में आज पड़ा, तुम्हारा सीनियर हो सकता है, उसकी सैलरी प्रमोशन तुमसे ज्यादा हो सकती है, तुम्हें उसकी लाखों की कीमत, तुम दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहे हो, एक साल का किराया ही केवल 1,20,000 के ऊपर है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कैलकुलेशन किस प्रकार होता है। अगर मुझे वो चीज कोई समझा दे, लेकिन समझाने के बाद अभी पढ़ने से काम थोड़ा ना चलेगा। 52 किताबें, इतनी मोटी मोटी किताबें, इनके नोट्स बनाने में मेरा क्या हालत होगी, और नोट्स याद मैं कब करूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे मेरी इंफॉर्मेशन सही है और गलत है, या कैसे मुझे याद करना है। तो इस समय की कीमत हम एक्चुअली नहीं लगा पाते, स्टूडेंट इस एज में समय की कीमत नहीं लगाता है। तो यहां पर क्या किया, एनसीईआरटी आंदोलन जो कि हमारा जो है 23 नवंबर से शुरू है, इसमें क्या किया, जो पिछला हमारा सेगमेंट है, सबसे पहले तो नोट्स बदलने की मेथड, आए लोग मुझसे बुला रहे सर पीडीएफ देंगे कि नहीं देंगे, पीडीएफ दे दीजिए। हमने सबसे पहले शुरू किया नोट्स बनाने की एक नई मेथड को,
ठीक है, कई लोगों ने विरोध किया, कई लोग चिलचिल किए जो सोच के आए थे कि अरे फैक्ट पढ़ा देंगे, पर्वत की ऊंचाई बता देंगे, पर्वत चोटी का नाम बता देंगे, तमाम जो है चिलचिल हुआ। क्या निकला? हमने LWMI शुरू किया, पूरे पूरे चैप्टर के नोट्स एक पेज में, फ्लो चार्ट्स के, हुकिंग के माध्यम से, कलरफुल तरीके से LWMI। पढ़ने में इतना मजा आने लगा, एक बार में बैठे और पता चला 8-9 चैप्टर का रिवीजन होता चला जा रहा, कम से कम शब्दों में एक एक नोट्स मैंने खुद अपने हाथ से बनाए। इसके बाद क्या हुआ, हमने BTL एस्टैब्लिश किया। BTL में हम डिस्कशन पे, इतना अच्छा बैच बना, इतने एंथुजियास्टिक बच्चे NCERT के, वहां पर हमने BTL करना शुरू किया बिटवीन द लाइन, और यहां पर BTL में उनको मतलब समझ में आने लगा। अभी बैच कंप्लीट होने वाला है और मोस्टली बच्चे जिन्होंने BHU एंट्रेंस का एग्जाम दिया, PCS दिया हरियाणा, बोला सर क्वेश्चन पूरे के पूरे यहीं से आए, क्वेश्चन करके। अभी जो बच्चे UPSC प्री में गए, बोले सर क्वेश्चन देते ही उन्होंने सीधे सीधे मुझे भेज दिया, ये सेंटर पर ही आ गया, सर आपके NCERT क्लास से जितने भी क्वेश्चन आए सब हो गया, ये बच्चों ने मुझे भेजा। This year pre has given me immense confidence, all thanks to you sir, that I don't have to look at the ceiling thinking about the answers. ठीक है, बोले अब मुझे जो है वो आंसर भी देखने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि सीधे, ये बच्चों ने मुझे सेंटर के बाद 12:58 पे ये जो है ये आ गया वहां से, कि पेपर खत्म होने के बाद बच्चों ने मुझे भेज दिया। तो इस तरह से जो सेगमेंट मैंने कहा कि अब अपना CSAT पर फोकस करो, कि अभी सेकेंड पेपर भी अच्छा करो, तब हम जो है वहां से सेलेक्ट होकर निकलेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा अपना एक जो बेसिक प्रिपरेशन यहां से निकलकर आता है, डन है। तो BTL हमने एस्टैब्लिश किया, उसको अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई, सब्जेक्ट को थिंकिंग करना बताया, और तीसरा टाइम सेविंग, चौथा इतने टेस्ट लिए, इतने टेस्ट हुए, अभी देखो टेस्ट चल रहा है, इस समय भी टेस्ट चल रहा है, ठीक है, कि इधर जो है NCERT का टेस्ट चल रहा है इस समय क्लास लेने के बाद, तो टेस्ट इतने हुए कि बच्चों को बार बार अपनी गलतियां पता चल रही हैं। पहले टेस्ट में 95% क्लास फेल, जो पहला पांचवें दिन जब टेस्ट लिया, और उसके बाद ऐसे थे कि इसमें 20 में 20 नंबर उनको मिलते चले जा रहे हैं। तो टेस्ट बताता है कि RSM है या नहीं है, रिवर्स स्टडी मेथड है या नहीं है, कि मैं चीजों को जो पढ़ा है मेरी अंडरस्टैंडिंग चेक हो सकती है कि नहीं हो सकती है। चार पिलर आंसर राइटिंग डाला इसमें, कि बच्चे आंसर राइटिंग करेंगे तब कहीं जाकर NCERT अपने आप में निचोड़ देती है, उसको प्रिपेयर करती है। सो ये रहा सेगमेंट, जहां पर जिस हिसाब से अगर वैज्ञानिक तरीके से पढ़ा और पढ़ाया जाए तो ये हमें बहुत ही आउटपुट देना शुरू कर देती है, अदरवाइज क्या होता है हमारा आउटपुट यहां से नहीं निकलता है दोस्तों। तो NCERT आंदोलन बेसिकली यही बैच है जहां मैं खुद अपने हाथ से LWMI नोट्स देता हूं, पढ़ने में बहुत ईजी है, BTL अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, और आज आप इस हालत में है कि जहां सब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ मिला सकते हैं, और उनकी लगातार होने वाला टेस्ट, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लगातार टेस्ट, इससे आपको क्या होता है RSM रिवर्स स्टडी मेथड एस्टैब्लिश करने में ये बहुत आसानी हो जाता है, और टाइम सेव होना। मैं किसी काम के लिए 1 साल लगा रहा हूं और यही काम मेरा 4 महीने में पूरा हो रहा है, तो मेरे बचे हुए जो 8 मंथ है उसमें मैं आंसर राइटिंग, एस्से राइटिंग, ऑप्शनल कुछ भी पूरा कर सकता हूं, मेरा समय बचे, समय की कीमत का तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। जो कल तक अबे यार तबे यार था वो तुम्हारा सीनियर बन जाएगा, जाके उसको सरसर करोगे, कमरे में घुसने से पहले 4 बार नॉक करोगे तो तुम्हें जीवन भर उसका जो है दर्द पता चलेगा कि तुम्हारा साथ का व्यक्ति तुम्हारा सीनियर है। तो टाइम सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन है, बहुत क्रूएल है। तो उम्मीद करता हूं आज आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिला होगा, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, हमें BTL पढ़ना चाहिए, नोट्स कैसे बनाने चाहिए, हमें LWMI या थॉट मैप TM बेस्ड नोट्स बनाने चाहिए, क्या NCERT मेरी आंसर राइटिंग में मददगार है, बहुत ज्यादा मददगार है, राइट। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या मुझे RSM एस्टैब्लिश करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, अगर आप चीजों को